एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक शेरगढ़ में स्थित गहलोया गांव पहुंचा। लगभग 3638 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर व ब्लॉक से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान ओमवीर सिंह के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2900 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 640 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 390 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 48 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइट भी लगवाई गई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पंचायत घर, पानी की टंकी, शमशान घाट की बाउंड्री, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। मेरा नाम है ग्राम प्रधान गैलैया, ब्लॉक खंड शेरगढ़, तहसील बहरी, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ लगभग खड़ंजे का काम पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बकाया है और बाकी सीसी रोड की जो है ज़्यादातर मांगें की जा रही हैं। उसके लिए जो है पैसा शासन से मंजूर होगा जब ही हो पाएगा। और शौचालय लगभग 300 गाँव में बन चुके हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, स्कूल की बाउंड्री वाल करा दी है, पंचायत घर जो है बिल्कुल दुरुस्त पड़ा है, उसकी नई मांग की जाएगी सरकार से। और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सही नहीं है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, बाकी शासन से पैसा जैसे जैसे मिलता रहेगा उस पैसे को सही रूप से लगाते रहेंगे, ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे, ये जो है शासन से। मैं छेदलाल, ग्राम गैलैया, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली, ब्लॉक शेरगढ़ का रहने वाला हूँ। और ये बरायत घर है और इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पर हमें लोग रहने में इसे सही कर रखते नहीं हैं, गंदगी रखते हैं।